भारतीय चिकित्सक संघ ने संसद में पास हुए बिल को लेकर विरोध दर्ज कराया। भारतीय चिकित्सा संघ ने संसद में पास एनएमसी बिल के कुछ मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। चिकित्सा संघ चाहता है केंद्र की सरकार तत्काल ही इन नियमों को वापस ले। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक क्रैश कोर्स कराकर कैसे अनट्रेंड आदमी दवाइयां लिख सकता है। इस तरीके के कई नियमों को लेकर आईएमए पुरजोर विरोध करने के लिए कमर कस चुका है। आईएमए चाहता है प्राइवेट कॉलेजों को सीटों को लेकर जो छूट दी जा रही है उसको भी तत्काल रोका जाए। आईएमए का कहना था, हम जो हड़ताल कर रहे हैं वह पूरी तरीके से मरीजों के हित को लेकर है। इस बारे में हमने चिकित्सा संघ के जिम्मेदार लोगों से बात की, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। इस दौरान ओपीडी भी बंद रही। कि आप सबको पता है कि अभी संसद में एनएमसी बिल पारित हुआ है, तो एनएमसी बिल पे जो प्रमुख आपत्तियां हैं आईएमए की वो है, जो पहली चीज़ है वो एक शब्द है कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर CHP, कि हम दूसरी पैथीज के लोगों को ब्रिज कोर्स करा के, और इंडीड अभी तक बिल में ये डिफाइंड नहीं है कि वो कौन लोग होंगे जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का रोल प्ले करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम ये बाद में डिसाइड करेंगे वो कौन होंगे। वो फार्मासिस्ट हो सकते हैं, वो नर्सिंग स्टाफ हो सकते हैं, वो किसी दूसरी क्रॉस पैथी से हो सकते हैं, या जो पैरामेडिकल हेल्थ वर्कर है वो हो सकते हैं। अभी तक ये डिफाइंड नहीं है। तो पहली आपत्ति ये है कि देश की जनता का स्वास्थ्य जो है वो आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अनट्रेंड लोगों को एक क्रैश कोर्स करा के कैसे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने दे सकते हैं। तो पहली और प्रमुख आपत्ति आईएमए की ये है कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर वाला जो क्लॉज है उसको हटाया जाए। दूसरी जो प्रमुख आपत्ति है वो है नीट और नेक्स्ट को लेके। अभी तक क्या होता है कि बच्चे हमारे जो PPG देना चाहते हैं, MBBS के बाद MD जाना चाहते हैं, वो नीट देते हैं, फिर MD MS के बाद DM MCH के लिए फिर से एक नीट देते हैं, और प्रैक्टिस के लिए वो स्वतंत्र हैं। सरकार का प्रायोजन ये है कि वो कहते हैं कि नेक्स्ट होगा जो लाइसेंसिएटिंग एग्जाम होगा, यदि वो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वो प्रैक्टिस के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि इस साल नीट में करीब 1,43,000 बच्चे बैठे, उसमें बमुश्किल 53,000-54,000 लोगों को उन्होंने क्वालिफाई डिक्लेयर किया PPG के लिए। तो क्या बाकी लोग अब प्रैक्टिस भी नहीं कर सकेंगे, मतलब वो सिलेक्ट भी नहीं हुए और प्रैक्टिस भी नहीं कर सकेंगे। वैसे भी PPG में जाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए दो अलग लेवल के कॉम्पिटेंस क्यों छेड़ रहे हो दो अलग लेवल की कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं जिनको हम एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। तो इस जो नेक्स्ट एग्जाम है उसका भी आईएमए पुरजोर विरोध करता है कि इसको नहीं रखना चाहिए। तीसरी जो प्रमुख आपत्ति है वो है कि अभी तक प्राइवेट कॉलेजों की 85% सीटों पर सरकार का नियंत्रण है उनके फीस निर्धारण में। अब कल खबर बनी कि सरकार का 50% सीटों पर फीस नियंत्रण होगा। ये देखिए, ये गुमराह करने वाली बात है। दरअसल बात है कि 35% सीटें छोड़ दी गई। उसकी वजह यह है कि हम देखते हैं कि अधिकांश जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस हैं। तो जो हमारा स्टेक अभी 85% था गवर्नमेंट का, उसको घटा के कर दिया 50%। तो इससे क्या होगा कि मेरिटोरियस स्टूडेंट छूट के रिच स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसे से जाके फिर से पैसे का बोलबाला बढ़ेगा। चौथी एक और चीज़ है, वो है कि MCI, जो कि हम जानते हैं MCI को इन्होंने सुपर सीट करके NMC लेके आए। MCI की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि ऑटोनोमस बॉडी थी। अभी एक क्लॉज ये कहता है कि अब जो सरकार के दिशा निर्देश होंगे वो अंतिम और बाध्यकारी होंगे NMC के लिए। मतलब एक तरफ सरकार ऑन पेपर ये बात करती है कि जो NMC में चार अलग अलग बोर्ड होंगे, UG बोर्ड, PG बोर्ड, लाइसेंसिएटिंग और क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, लेकिन साथ में दूसरा क्लॉज ये कहता है कि सरकार के दिशा निर्देश अब केवल मार्गदर्शन और दिशा निर्देश न होकर बाध्यकारी होंगे, जो कि ऑटोक्रेटिक जो क्वालिटी है उस पर एक तरीके से कुठाराघात है कि NMC को ऑटोक्रेटिक बॉडी रहने ही नहीं देंगे, ऑटोनोमस बॉडी रहने ही नहीं देंगे। तो इन सारी मांगों के साथ IMA जो है वो पूरे देश भर में 24 घंटे के लिए रूटीन स्वास्थ्य सेवाओं के बंद का आह्वान करता है और सरकार से अपील करता है कि इस प्रकार के जो इलॉजिकल रूल्स इन्होंने जोड़ दिए हैं उनको तुरंत हटाया जाए और बृहद जनहित में इनको हटा के उपयुक्त चीज़ें जोड़ी